Hello everyone, how are you all? I am your art and craft teacher Sonia and welcome to Fundu class जहाँ पर हम सीखते हैं रोज नई नई exciting चीजें. और आज हम क्या बनाने वाले हैं ये आपके दिमाग में बिल्कुल 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 चल रहा होगा. तो देखिए अभी दिवाली का सीजन चल रहा है और दिवाली की जो शॉपिंग चल रही है और हम दिवाली के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं और दिवाली में क्या क्या से घर को डेकोरेट करना है ये चीज़ें हम सीख रहे हैं हमारी क्लासेस में दिवाली स्पेशल क्लासेस में. तो आज की जो क्लासेस हैं उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं स्टोन पेंटिंग. तो आप सभी के घर के सामने कभी ना कभी आप लोगों को बहुत सारा जो है उसको कंक्रीट बोलते हैं कंक्रीट गिरा हुआ देखा होगा आप लोगों ने. तो वहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के स्टोन्स मिले होंगे कुछ अलग अलग शेप्स के. तो उन स्टोन्स को आप लोग घर पे कभी कभी लेके भी आए होंगे लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं पता होगा. तो हम उसको यूज़ करेंगे आज और उसकी पेंटिंग करेंगे उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे और उसको एक बहुत बढ़िया सा लुक दे के हमारे घर को डेकोर करेंगे. तो कौन कौन रेडी है मेरे साथ इस एडवेंचर को स्टार्ट करने के लिए? आर यू रेडी गाइस? देन लेट्स स्टार्ट. तो मेरे प्यारे प्यारे क्रिएटिव स्टूडेंट्स आप लोगों को चाहिए कुछ इस तरह का स्टोन. तो वो स्टोन जो है आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगा है ना. हमारे घर के आसपास कितने ही इस तरीके के पत्थर गिरे हुए रहते हैं है ना, पर हम उन पत्थर को देख के आगे निकल जाते हैं लेकिन कभी भी उसका यूज़ नहीं करते. तो आज हम सीखेंगे इस स्टोन का यूज़ करना. इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लैक स्केच पेन. तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं. और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों को फंडू क्लास की जो है इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी पे अपने अपने वर्क को जो है शेयर करना है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले हम स्टोन को साफ कर लेंगे अच्छे से और फिर स्केच पेन की हेल्प से हम यहाँ पे पहले एक यू शेप ड्रॉ करेंगे. देखिए कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ एक यू शेप ड्रॉ करना है. तो काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और जो बच्चे भी लेट लतीफ जुड़ेंगे उनके लिए मैं क्लास में दोबारा नहीं बताऊंगी. आप लोगों को एक टाइम दिया गया है तो आप लोगों को उसी टाइम जुड़ना है वरना आप लोगों की जो क्लास है वो मिस हो सकती है और मैं पीछे की चीज़ें नहीं बताऊंगी. तो जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो रह जाएगा. ये एक्चुअली मैंने जस्ट अभी बनाया. तो हमने कुछ इस तरह से एक यू शेप बनाया और उसके ऊपर से सिंपल स्ट्रेट लाइन करके एक साइड में कॉर्नर में एक वी बना दिया. ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आंखें ड्रॉ कर रही हूँ. आप लोग चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो. ठीक है, अभी मत ड्रॉ करो, बाद में भी ड्रॉ कर सकते हो लेकिन मैं आप लोगों को सिंपली भी ड्रॉ करके बता देती हूँ. देखिए सिंपल इस तरह से हमें जो है दो आंखें ड्रॉ करनी है और एक लिप, छोटा सा लिप. तो कोई बता सकता है कि आज हम स्टोन पेंटिंग में क्या बनाने वाले हैं? आप लोग अपने जो कमेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हो और बता सकते हो क्या बना रही हूँ मैं. तो वैसे तो मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो है ना, बहुत ही ज़्यादा. और सबको बहुत अच्छे से बनाने से पहले ही आइडिया लग जाता है कि मैम आज क्या बनाने वाली है. ये देखिए, ये मैंने एक उल्टा मैंगो डिज़ाइन किया. उसके लिए मैंने क्या किया, एक साइड से एक लाइन खींची और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया. अब यहाँ से देखो एक लाइन ऊपर से खींची और उसको मैं नीचे तक लेके आ गई. अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो मैंने बनाया है ना ये किमोनो है. आज हम बना रहे हैं एक इसको चाइनीज़ आर्ट आप बोल सकते हो. ठीक है, और ये जो इसने पहना है ये है किमोनो जो मोस्टली वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है. ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि वो जो किमोनोज होते हैं ना वो कुछ इसी टाइप के होते हैं है ना. अब हम इसको जो है पेंट करेंगे फैब्रिक कलर से. अगर आप लोगों के पास कोई और कलर्स हो तो आप लोग उससे भी कर सकते हो लेकिन फैब्रिक कलर अच्छा होता है, एक्रेलिक कलर अच्छा होता है. ये एक्रेलिक कलर है तो ये क्या छूटता नहीं है. ये आप इस स्टोन को पानी में भी डाल दोगे ना तो भी नहीं छूटेगा. तो मैं फेस के लिए स्किन कलर का यूज़ कर रही हूँ. अगर देखो आप लोगों के पास स्किन कलर नहीं है
तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग वाइट के अंदर बिल्कुल पिंच पिंच थोड़ा सा पिंच जो है येलो और थोड़ा सा पिंच जो है रेड का मिक्स कर सकते हो, तो उससे भी ये जो है ये कलर जो है स्किन कलर बन जाएगा। तो अभी तो हम इसी से फेस को कलर करेंगे। आप लोग स्किन कलर बना सकते हो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरीज हो, आप लोग चैट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और जो बच्चे अभी बना रहे हैं साथ साथ में, आप लोग बीच बीच में जो है दिखा सकते हैं अपना अपना वीडियो ऑन करके कैसा बनाया है, मैं देख के बताऊंगी किस तरह का आप बना रहे हो, ठीक है। तो ये जो स्टोन है बहुत ही इजीली हम लोग को मिल जाता है ना बाहर, कहीं पे पड़ा हुआ कहीं पे आप लोग देख लेते हो, तो आप लोग बहुत सारे जितने भी स्टोन्स हैं ना आप कलेक्ट करके लेके आया करो, बहुत अलग अलग जो है पेंटिंग्स बनती है उसके ऊपर, हम उसको घर को डेकोरेट कर सकते हैं, इवन हम लोग गमले में रख सकते हैं, इससे पेड़ पौधे भी बहुत सुंदर लगने लगते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने इसका फेस कलर कर दिया है स्किन कलर से। एक्रेलिक कलर यूज़ करना है क्योंकि ये जो है हम लोग स्टोन पे कलर कर रहे हैं, राइट, तो एक्रेलिक कलर ही अच्छा रहता है, प्लास्टिक एक्रेलिक कलर। अभी हम लोग एक ब्लू कलर में ढूंढ रही हूँ, लाइट ब्लू, इसके ड्रेस को कलर करने के लिए, इसके किमोनो को कलर करने के लिए, ठीक है। किमोनो क्या है, किमोनो उन लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है। कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, किमोनो अधिकतर लोग जैपनीज लोग पहनते हैं, ठीक है, चाइनीज़ लोग पहनते हैं, तो ये उनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। तो यहाँ पे मैं दो कलर्स यूज़ करूँगी, देखिए यहाँ पे ना ये मैंने स्काई ब्लू कलर यूज़ किया, स्काई ब्लू कलर आप जैसे डार्क ब्लू में वाइट कलर मिक्स करके भी स्काई ब्लू कलर बन जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर डायरेक्ट कर रही हूँ एक कॉर्नर में, और एक ही ब्रश की हेल्प से दोनों को इस तरह से मैं मिक्स कर दूंगी और मिक्स करते हुए ऊपर तक ले जाऊंगी, ठीक है। ये देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों को इस तरह से मिक्स करना है, और ये देखिए कितना प्यारा सा एक शेडिंग बन गया है ना यहाँ पर। तो इस तरह से जो है कलर मिक्सिंग होती है। आप लोगों को आज क्लास में कलर मिक्सिंग भी सीखने को मिला है ना, तो कैसे करते हैं, इस तरह से आपको पहले स्काई ब्लू कलर करना है एक साइड में, और जितना कलर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उस जगह पे हम क्या कौन सा कलर करेंगे, डार्क ब्लू, और फिर हम उसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे किसके साथ, स्काई ब्लू के साथ। तो स्काई ब्लू कलर किस कलर से बनता है, आप स्काई ब्लू कलर बना सकते हैं डार्क ब्लू और वाइट कलर को मिक्स करके स्काई ब्लू कलर बन जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है हमको कि कलर जो है मिक्सिंग करते वक्त यह ध्यान रखना है कि हम जब कलर मिक्सिंग करते हैं तो जो डार्क कलर का स्टोन होता है ना उसको बहुत कम यूज़ करना है। देखिए मैंने सिंपल एक कॉर्नर में थोड़ा सा यूज़ किया क्योंकि डार्क टोन जो होता है वो वाइब्रेंट होता है और वो आपके लाइट कलर को ओवरटेक कर देता है ना, तो आपको डार्क कलर वैसे यूज़ करना है जितना, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरटेक कर ही देगा आपके लाइट कलर को। और फिर धीरे धीरे इसको कैसे करके मिक्स करना है, धीरे धीरे मिक्स करना है। अच्छा मैं आप लोगों को डार्क और लाइट टोन का ये भी बताऊंगी कि आखिर लाइट टोन कहाँ यूज़ होता है और डार्क टोन कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो बच्चों जो लाइट टोन होता है ना वो यूज़ होता है अधिकतर जहाँ पे रोशनी होती है उस चीज़ को दिखाने के लिए, और डार्क टोन ऑब्वियसली डार्क चीज़ को दिखाने के लिए, लेकिन इसके अलावा डेप्थ को दिखाने के लिए भी डार्क टोन का यूज़ होता है, और किसी उभार चीज़ को दिखाने के लिए लाइट टोन का यूज़ होता है ना। जैसे जैसे कि हमने एक बॉल बनाया तो बॉल का जो ऊपरी हिस्सा है तो उसमें हम लाइट टोन यूज़ करेंगे, और जो पीछे दिख रहा है उसके लिए डार्क यूज़ करेंगे, ऐसा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कलर कर देते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को जैसे कलर करते बना वैसे करो, ठीक है। अगर आपको ये स्काई ब्लू और डार्क ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा है तो आप लोग ऑरेंज और रेड भी यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, तो मैं बहुत धीरे धीरे ही बता रही हूँ जिससे कि आप लोग साथ साथ में कवर करते चलो। और किसी को भी कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस हो, वो आप लोग अभी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में आके। किसी को भी ऑडियो ऑन नहीं करना है, डिस्टरबेंस होता है क्लास, ठीक है। किसी को भी ऑडियो ऑन नहीं करना, सबको म्यूट रखना है। और अपना ये जो वर्क है इसको फिर आपको हमारे साथ फंडू क्लास की इंस्टा और फेसबुक आईडी पर बाद में शेयर करना है। तो यहाँ पे जो है मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ, और मैं ब्लैक कलर से पूरा ऑल ओवर जितनी भी जगह है ना, सब जगह पे मैं ब्लैक कलर से कलर फिल कर दूंगी। तो मेरी क्लास में बहुत सारी लड़कियां भी हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं, तो जितनी भी गर्ल्स हैं उनको तो एक डॉल भी मिल जाएगी खेलने के लिए, है ना। आप ऐसा डॉल बना के अपनी फ्रेंड को भी गिफ्ट करोगे ना, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। और जो बॉयज़ हैं वो लोग इसको एज अ डेकोरेटिव यूज़ कर सकते हैं, और अपनी मम्मा को गिफ्ट कर सकते हैं। और वैसे हर चीज़ आनी चाहिए, है ना, हमको हर एक चीज़ बनाना आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये सारी चीज़ें काम में आती हैं, और खासकर डेकोरेटिव आइटम्स तो घर में ही इतने सारे काम में आ जाते हैं। और स्टोन पेंटिंग करना बहुत ही मज़ेदार है, सभी बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं। मेरी बहुत सारी क्लासेस में स्टोन पेंटिंग बहुत इंजॉय करते हैं, तो आप लोगों को भी इसी तरह से स्टोन को पेंट करना है और शेयर करना है फंडू क्लास की इंस्टा और फेसबुक आईडी पर। और आप लोग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं फंडू क्लास के यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कुछ भी नया वीडियो आए, कोई भी अपडेट हो, तो आप लोगों को सीधे सीधे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले रही हूँ जिससे कि आप लोग थोड़ा सा बना सको और देख सको और किस तरह से जो है मैंने बनाया है। तो कितने बच्चे जो हैं वो रेत में खेल चुके हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में बहुत रेत में खेले हुए हैं। यहाँ पे जो है हमने इस तरह का एक पिंक कलर का शेड लिया है। अगर पिंक कलर का शेड आपको नहीं है आपके पास, तो आप लोग ले सकते हैं रेड या येलो, जो भी आपको फेवरेट कलर हो वो आप ले सकते हो, क्योंकि हम अभी फ्लावर बनाने वाले हैं। ये जो हमने ये जो गर्ल बनाया है इसका फ्लावर बनाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा चिक पे कलर कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे पिंक कलर लेके ना तो पानी से उसको ब्रश को मैंने वॉश कर लिया है, बिल्कुल हल्का हल्का उसमें है कलर, तो मैं उसी कलर को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टैप करूँगी, देखो इस तरह से, और फिर ब्रश को अच्छे से पानी से धोना है, और फिर उसको ऑल ओवर राउंड करते हुए मिक्स करना है। देखिए मैं यहाँ पे ब्रश को धो रही हूँ, उसको इस तरह से ब्रश को धोने के बाद इसको कॉर्नर कॉर्नर से, मतलब जो जो सर्कल बनाया उसके कॉर्नर कॉर्नर से हमको इस तरह से मिक्स करना है फेस पे। तो कोई बता सकता है ये क्या बना रही हूं मैं? रेड रेड चिक्स हैं ये। और फिर मैं यहाँ पे लूंगी
अगेन मैं यहाँ पे पिंक कलर लूँगी और फिर उसके बाद जो पहले मैं पिंक से इसके लिप्स बना लेती हूँ। जो लिप्स है ये कुछ इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। आप लोग बना लो फिर ही मैं बताऊंगी आगे, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं आंखें बनाऊंगी। आंखें बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है और कुछ इस तरह का शेप बनाया है और फिर इसकी एक छोटी सी लाइन कॉर्नर से इस तरह से खींचते रहे। प्यारी प्यारी आंखें जो कि बंद है या स्माइल की वजह से उनकी आंखें होती है ना, छोटी छोटी आंखें होती है चाइनीज लोगों की, जापनीज लोगों की, तो ऐसी ही दिखती हैं। ये हेयर्स हैं, दो लाइन इस तरह से दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करना है अभी हमको। आप लोग जो है पतला सा ब्रश लेना, 0 साइज का या 1 साइज का, अभी हम लेंगे पिंक कलर और फिर हम इसको यहाँ पर फ्लावर्स बनाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल तरीके से, देखिए मैं फ्लावर बना रही हूँ, ऐसे ऐसे करके लाइंस बनानी है, सिंपल सिंपल छोटी छोटी लाइंस और ये बन गया फ्लावर। इसी तरह से हम बहुत सारे फ्लावर्स बनाएंगे क्योंकि एक ड्रेस के अंदर तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ये प्रिंटेड ड्रेस है, राइट। तो आप लोगों को फ्लावर्स नहीं बनाना है तो आप लोग सर्कल बना सकते हो छोटे छोटे, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे डिजाइन इसमें बना सकते हैं, ठीक है। और अगर डिजाइंस नहीं बनाना है तो वो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिजाइंस बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। हमारी गर्ल जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि जो चाइनीज जो कपड़े होते हैं ना, वहाँ के ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होती है ना, उन वो उसमें कुछ ऐसे फ्लावर्स और मतलब लीफ, बैम्बू लीफ टाइप का, इस तरह की जो डिज़ाइंस होती है ना, स्वान, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिज़ाइन में एज ए डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। मोस्टली कपड़ों में फ्लावर्स तो होते ही हैं, फ्लोरल प्रिंट की ड्रेसेस होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको फ्लावर्स बना के दिखा रही हूँ। एक मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही फ्लावर्स आपको बनाना है, ठीक है, और इतने ही बनाने हैं। जहाँ पे भी आपको खाली जगह मिल रही है वहाँ पे आप फ्लावर्स बना सकते हो, ठीक है। तो इतना जल्दी से बना लीजिए। अब आगे जो है मैं यहाँ पे एक व्हाइट कलर से बीचों बीच इस तरह से डॉट्स बना रही हूँ, है ना, फ्लावर के अंदर, तो ये और ज़्यादा जो है बाउंसी और ब्यूटीफुल लगेगा।
बाहर भी इस तरह के थोड़े थोड़े डॉट्स बना लेंगे वाइट कलर के, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों आप लोग को कोई भी क्वेरीज हो आप लोग चैट बॉक्स में आके अभी पूछ सकते हैं, कोई भी आप लोग को दुविधा आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। अभी देखिए ये जो है सूख गया है आई थिंक, और यहाँ पे मैं है एक कुछ फ्लावर्स बनाऊंगी क्योंकि फ्लावर वाले क्लिप्स बनाऊंगी तो वो और ब्यूटीफुल लगेगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिंक कलर मैं लूँगी अगेन, और पिंक कलर से मैं जो है इधर नहीं इधर अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है मैंने पिंक कलर से ऐसे करके एक फ्लावर बना दिया है, ठीक है। एक हाथ और बनाएंगे, एक बड़ा फ्लावर बनाया मैंने, एक छोटा फ्लावर बनाया है, है ना। तो थोड़ा सा क्या विजिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कलर भी सूखा नहीं है ना ज़्यादा अच्छे से, तो वो मिक्स हो जाता है, तो इसीलिए बहुत सारा टाइम के साथ बनाना पड़ता है ना। देखिए ये जो है ये तो बन गया है फ्लावर, अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं क्योंकि जो लाइट जो पिंक हमने यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं दिख रहा है। तो मैं काम करती हूँ, कोई बताएगा कौन सा कलर यूज़ करूँगी मैं अभी, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आके बताओ फटाफट से कौन सा कलर मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। मैं यूज़ करूँगी वाइट कलर, ओके। देखो वाइट कलर से यहाँ पर इस तरह से कुछ डॉट्स बनाएंगे हम, और ये देखिए ये जो है हमारा क्लिप कितना सुंदर, जो हेयर रिबन है या कुछ भी बोल सकते हैं आप, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। अब ये जो है रेडी हो चुका है, अब मैं इसके नीचे एक पेपर लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ मैं कैसे खेलती हूँ। वो मैं तो आई हूँ जंगल में, इतनी अच्छी ड्रेस पहन के मैं जंगल में आ गई, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी अकेले अकेले। पर यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है, वाह मुझे मज़ा भी आ रहा है, यहाँ पे कितने सुंदर बैम्बू ट्रीज हैं, पर कोई है नहीं ना, अगर कोई होता तो और अच्छा लगता। तो आप इस तरह से खेल सकते जैसे मैं खेल रही हूँ। तो मज़ा आया ना आप लोगों को स्टोन पेंटिंग करने में, मुझे भी बहुत मज़ा आया। इसी तरह से हम और भी नई नई चीज़ों के साथ नए नए क्लासेस में हम लोग और भी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें फंडू क्लास पे बने रहना है, और हाँ अपने वर्क को फंडू क्लास के इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी पे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फंडू क्लास का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आप लोगों से रिलेटेड काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ डले हुए हैं जो आप भी लोगों के यूज के हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब करके उन वीडियोस का मजा ले सकते हैं, वो फ्री है। और हाँ अब नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ नई नई चीजों के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।